से फॉर्म मालूम करेंगे, फाइंड करेंगे कब, जब लाइन पासिस थ्रू 2, -4 एंड इस परपेंडिकुलर टू लाइन y इक्वल टू 4x - 18। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पैरेलल लाइन के लिए मालूम किया था और अब इस पर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। पैरेलल में हमारे पास क्या था, स्लोप सेम होते हैं। परपेंडिकुलर में हमारे पास स्लोप क्या होता है, इनवर्स होता है। मतलब m1 इक्वल टू 1/m2, यानी कि रेसिप्रोकल होता है, सॉरी बस बोलूँ रेसिप्रोकल होता है स्लोप वन का, यानी जो भी स्लोप वन गिवन होगा उसका रेसिप्रोकल। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 गिवन है, लाइन का स्लोप 2 है, तो जब परपेंडिकुलर लाइन होगी तो उसका स्लोप क्या होगा, 1/2, जो कि किस में होगा, माइनस में। ठीक है, ये तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह निकाल सकते हैं। अब उसी तरीके से स्लो हम लगाते हैं, देखें स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला से y इक्वल टू mx + c। m मीन स्लोप, स्लोप हमारे पास क्या, देखें यहाँ हमारे पास कितना है, यहाँ हमारे पास 4 है, मतलब ये, लेकिन लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1/4 x + c। स्लोप तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू किसके बराबर होती है, y इंटरसेप्ट के बराबर होती है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू को मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स गिवन है, -4 और 2, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। सो y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, -4 = -1/4 और x की जगह x की वैल्यू जो कि कितनी है, 2 है, प्लस c। सो -4 = 2 × 2, सो -2/4 प्लस c। ठीक है, यहाँ माइनस है, दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो -4 + 2/4 = c। ठीक है, तो जी अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें जी इसका एलसीएम आएगा जी -16 + 2/4 = c। 16 + 2 = 14, 14 / 4 = c। 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 7/2 = c, विच के माइनस में होगा। तो अब क्या हो जाएगा जी, फॉर्म लिखेंगे जब हम y इक्वल टू m, हमारे पास था स्लोप 1/4 - x और ये हमारे पास c की वैल्यू क्या है, -7/2, तो -+-7/2। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, जो कि लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, शुक्रिया।